नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मैजिशियन हैप्पी मैजिक हाउस की चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक बेहतरीन जादू आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्लोजअप मैजिक। तो देखिए, अगर आपको ये आइटम अच्छा लगता है तो पूरा आइटम हमारा देखना, और पूरा आइटम देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो ये आइटम अभी दिखाने जा रहा हूँ, क्लोजअप मैजिक, बेहतरीन मैजिक, चार अठन्नी गायब करना। और आप कहीं भी किसी को भी हाथ में ये आइटम दे सकते हो, बिंदास दे सकते हो, तो ये आइटम देखना ना भूलिए। चार अठन्नी का कॉइन यानी चार अठन्नी के सिक्के कैसे गायब होता है, तो ये देखिए और जानिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी दिखाने जा रहा हूँ चार अठन्नी का मैजिक। तो ये एक खाली कवर है मेरे पास, और ये ऐसे ही 50 पैसे की पुरानी अठन्नी है। चार अठन्नी है मेरे पास, क्या है ये, चार अठन्नी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर चार अठन्नी को ऐसे लगा दूँगा। लगा देने के बाद ऐसे रिंग लगाऊँगा, और रिंग लगाने के बाद ये भी खाली कवर है, खाली कवर को ऐसे मैं लगा दूँगा और हल्का सा प्रेस करूँगा। और आवाज़ आ रही है आपको, आवाज़ आ रही है, तो ऐसे ही रिंग की आवाज़ आएगी। अब यहाँ से भी गायब हो गई अठन्नी, यहाँ रिंग खाली है और ये भी खाली है। अगर ये जादू आपको सीखना है और ख़रीदना है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल में हमारा नंबर दिया हुआ रहता है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो हमारा जो भी है अंत तक आप देखोगे तो ये जादू का सीक्रेट आपको पता चल जाएगा। तो अभी ये जादू का सीक्रेट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये दो जो होता है इसके अंदर ही चार अठन्नी होती है। अब मैं क्या करूँगा, आपकी नज़रों के सामने इसको ऐसे क्या करूँगा, ऐसे लगा दूँगा। अब लगा देने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, आपकी नज़रों के सामने ऐसे उल्टा रख दूँगा। क्या किया मैंने, ऐसे उल्टा रख दिया। अब ऐसा ही मैं उसको ऐसा पटकूँगा तो यानी चार अठन्नी निकल जाएगी। लेकिन आप ये आइटम ऐसे सोच रहे होगे कि ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, लेकिन ये बिगड़ेगी नहीं। ये पीतल की आइटम हमने बनाई हुई है, उस हिसाब से बिगड़ेगी नहीं यानी ख़राब नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही चार अठन्नी को साथ में ऊपर से ऐसे कवर को पकड़ लेना है। अब ये रिंग को ऐसे लगा देना है आपको, और ये ढक्कन है, ये ढक्कन के अंदर चार अठन्नी क्या होता है, चिपक जाती है। अब आपको ऐसे लगा के इसको ऐसे प्रेसिंग करना है यानी दबाना है। दबा देने के बाद आप दबाओगे, जैसे ही दबा देने के बाद वो चार अठन्नी ऐसे ही क्या होगा, निकल जाएगी यानी बाहर आ जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको फिर से दोबारा मैं बता के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये आइटम कभी किसी ने ही YouTube चैनल के अंदर बताई नहीं होगी और समझाई नहीं होगी। तो ये आइटम अभी आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। देखो, ऐसे ही चार अठन्नी को ऐसे पकड़ना, रिंग को ऐसे लगा देना, लगा देने के बाद ये ऊपर का कवर यानी ढक्कन को ऐसे प्रेस कर देना, यानी क्या करोगे आप, दबा देना। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि ये चार अठन्नी प्रेसिंग नहीं हुई थी, रिंग बराबर लगी हुई नहीं थी। अब ये क्या करोगे, ये चार अठन्नी इसके अंदर क्या हुआ, आ गई। अब ये जादू का सीक्रेट था। तो आपको ये जादू अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो, इतनी गर्मी है और आपके सामने मैं इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, क्यों कि वीडियो बनाते समय हम फैन चालू नहीं रखते, तो फैन बंद है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। वीडियो हमारे जो भी हो पूरे यानी आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना, और हम हर रोज़ नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे, आपकी दुआ होगी। लेकिन प्लीज़ हमारी YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब आप करवा दीजिए, तो आपका और हमारा दोस्ती यारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ता रहेगा। तो अभी आपको मैं
आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। और ख़ास एक सूचना, जादू का हर प्रकार का सामान हमारे शॉप पे अवेलेबल है, तो अगर आपको जादू का सामान चाहिए तो ए टू जेड आइटम हम मैजिक आइटम बेचते हैं, बनाते हैं, और इल्यूजन, सेमी इल्यूजन, क्लोजअप, कंजरिंग सभी आइटम हम मार्केट में बेचते हैं। तो आपको जो भी आइटम चाहिए प्लीज़ हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए, तो आइटम आपको मिल जाएगी। और नए नए आइटम केमिकल मैजिक और बहुत सारे मैजिक हम लेके आएंगे, आपके सामने दिखाएंगे, समझाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी का मैं तहे दिल से आपको मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ।